सर्दियों में मार्केट में ढेर सारी सब्जी आने लगती हैं, पालक, गाजर, चुकंदर, आंवला और भी कई तरह की हरी हरी सब्जी आने लगती हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीटरूट, गाजर, आंवला, टमाटो, इन सब का मिलाकर इतना बढ़िया मज़ेदार जूस की रेसिपी। इस जूस को बनाना भी बहुत आसान है और इसका टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे किचन में, मोहिनी की रसोई में। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। फ्रेश वेजिटेबल जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश बीटरूट, चुकंदर। मार्केट में इस टाइम पर काफ़ी मीठे मीठे बीटरूट आ रहे हैं, तो इनका टेस्ट आपको जूस में बिल्कुल भी नहीं आएगा और हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। बीटरूट को हम छील लेंगे। ज़्यादातर आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है और डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें सब्जियां बिना छिली हुई खानी चाहिए, पर यह बीटरूट से ना मिट्टी बहुत हद तक चिपक जाती है और अगर हम छीलेंगे नहीं ना तो वो जूस के बीच में आएगी मिट्टी, तो हमारा ना एक दिन पिए बनाएंगे हम जूस को और उसी दिन बंद हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बीटरूट को ना छीलना है। ऐसे ही हम लेंगे गाजर और गाजर को भी हम छील कर ही अपने जूस में यूज करेंगे। आपको पता होगा कि गाजर हमारी आईज के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है, आईज, बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सैलेड में हम कैरेट खा ही नहीं पाते, तो अब आप सैलेड को साइड में रखिए, इस जूस को बना के पिए। सच में आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा ना कि आप डेली इस जूस को पिएंगे और इस जूस का असर आपकी बॉडी पर 15 से 20 दिन में दिखने लगेगा। आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, आपके बाल जो पहले झड़ रहे थे ना वो झड़ना कम हो जाएंगे और आपका खून भी अच्छे से साफ हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी में कभी खून गंदा हो जाता है, हमारी बॉडी में कहीं कहीं चित्ते से पड़ जाते हैं, डार्क कलर के ग्रीन, वो चित्ते इस जूस से इतनी जल्दी चले जाएंगे ना आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है और इस तरह से गाजर को मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लेना है। गाजर का जो ये पीला वाला पार्ट होता है ना उसको आपको नहीं लेना है, वो जूस में अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको आप हटा दीजिए। और जो रेड वाला पार्ट होता है आपको जूस में उसी को यूज करना है। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर का भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं मिक्सी के जार का यूज कर रही हूँ। गाजर को हम मोटा मोटा स्लाइस करके कुछ इस तरह से डाल लेंगे। इस जूस को कैसे पीना है, कब पीना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, लेकिन आपको कब पीना है ये आपको ज़रूर देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं दो टमेटोज। टमेटोज भी हमारे फ्रेश हैं तो इनको भी हम मोटी स्लाइस में कट कर लेंगे। आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि इस सीजन में जूस कैसे, आप फ्रेश वेजिटेबल जूस पिए, आप इन सब्जियों को फ्रिज में ना रखें। बिना फ्रिज की सब्जियों का आप जूस बनाइए, आपको ना तो जुकाम होगा, ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी। इतना बढ़िया जूस बनेगा ना कि आप भी कहोगे कि वाह, आज मैंने कितनी बढ़िया वीडियो देखी है ये वेजिटेबल जूस की। इसमें हम एक चुकंदर डाल देंगे। मैं यहाँ पर जूस बना रही हूँ 2.5 गिलास, यानी कि 1 गिलास अपने लिए, 1 गिलास अपने पति के लिए और 1/2 गिलास अपने बेटे कबीर के लिए। तो हम यहाँ पर 2.5 गिलास जूस बना रहे हैं, तो उसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 आंवला, 1 बीटरूट, 1 गाजर, 2 टमेटो। आपको अगर ज़्यादा जूस बनाना है तो इन सब की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आंवला हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा अच्छा है। आंवला हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए और हमारे स्टमक के लिए, इन सब के लिए आंवला बहुत इफ़ेक्टिव है। आंवला इतना खट्टा होता है ना कि हम डेली आंवले को कंज्यूम नहीं कर सकते, पर अगर आप इस तरह से जूस के साथ आंवले को मिक्स करके लेंगे ना, आप डेली आंवला खा पाएंगे और आपकी बॉडी में आंवला बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। मैं 2.5 गिलास बना रही हूँ तो 1.5 गिलास मैं ऐड करूँगी पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको ना मिक्सी में बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। पानी मैंने यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि मिक्सी में बिना पानी के हमारी वेजिटेबल नहीं पिसेंगी। अगर जूसर से आप जूस निकाल रहे हैं तो वो इजीली निकल आएगा।
तो मैंने यहाँ पर कोई बड़ा बर्तन लिया है और एक लिया है ये कपड़ा कॉटन का। आप सोच रहे होगे ये कपड़ा कैसा हो रहा है, मैं डेली ऐसा ही जूस बनाती हूँ और वही जूस का ये कपड़ा है, इसलिए ये रेड कपड़ा आपको लग रहा है। हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से कपड़े से ऐसे जूस निकाल लेंगे। अगर आपके पास चलनी है सूप वाली, तो आप सूप वाली चलनी से भी निकाल सकते हैं, उससे भी आसानी से निकल आता है। पर मुझे कपड़े से जूस निकालना काफ़ी आसानी का काम लगता है, तो मैं कपड़ा से ही जूस निकालती हूँ। तो इस तरह से हम मसल मसल के सारा जूस निकाल लेंगे, और इस जूस से मेरे हैंड इतने रेड हो जाते हैं ना, कि जब मैं सुबह का और शाम का आटा लगाती हूँ उसके बाद ही मेरे हाथों से रेडनेस जाती है। तो जब बीट रूट में इतनी रेडनेस है, तो वो बीट रूट हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा इफेक्टिव करेगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। ऊपर का ये फोक सा निकला है ना, इसको आप या तो मिक्सी में दोबारा से पानी डालकर चला लीजिए, या फिर इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए। चलिए हम करते हैं अपने जूस को सर्व करने की तैयारी। तो सर्व के लिए आप थोड़ा सा काला नमक डालें, इससे जूस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं, और आप जूस को सर्व करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, उनको ये जूस इतना पसंद आएगा ना कि वो आपसे डेली बोलेंगे कि मेरे लिए ऐसा ही वेजिटेबल जूस बनाइए, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आया है। छोटा ग्लास मेरे कबीर के लिए है, और ये दोनों ग्लास मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए अब है। आपको आखिरी क्वेश्चन का आंसर दूंगी, आपको ये जूस कब पीना है। आपको ये जूस 1 बजे तक पी लेना है, यानी कि जब आप खाना अपना लंच फिनिश करें उसके बाद आप इस जूस को लें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप खाने के बाद नहीं लेना चाहते, तो आप ब्रेकफास्ट से पहले या फिर बाद में ले सकते हैं। इसका टेस्ट 100% आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।